Hi guys, I am Neetu Nigam and welcome to my channel, My Pathshala by Neetu Nigam. यह एक requested video है एक viewer ने हमसे request की थी कि silver zone olympiad के सभी subject के all subject के syllabus और sample paper में share करें। इससे पहले हमने math के sample paper share कर चुकी हूँ, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो प्लीज अवश्य देखें। और आज का हमारा पेपर है क्लास सेकेंड के लिए इंग्लिश ओलम्पियड, इसके पहले हम सिलेबस देखेंगे फिर इसके सैम्पल पेपर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके सैम्पल पेपर चार सिलेबस जो है चार सेक्शन में बटे रहते हैं। इंग्लिश क्लास सेकेंड सेक्शन वन एलिमेंट्री नॉलेज, सेक्शन टू में राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल, थर्ड सेक्शन वर्ड नॉलेज, सेक्शन फोर में रीडिंग एंड कम्प्रीहेंशन स्किल एंड सेक्शन फाइव मेरिटेशियस जोन। अर्थात क्लास सेकेंड इंग्लिश में जो ऑलमोस्ट हर बोर्ड के बच्चे क्लास सेकेंड के जो सिलेबस पढ़ते हैं वही सिलेबस रहता है, और इनमें ओलंपियाड में पूछने के तरीके डिफरेंट हो जाते हैं, क्वेश्चन का पैटर्न डिफरेंट हो जाता है, लेकिन ऑलमोस्ट सिलेबस ग्रामर पोर्शन वही रहते हैं। ऑलमोस्ट कोई भी ओलंपियाड में आप एग्जाम देते हैं उन सब का पैटर्न ऑलमोस्ट सेम रहता है। क्वेश्चन पेपर ड्यूरेशन 40 मिनट्स के रहेंगे और नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 रहते हैं। इसमें दो लेवल में एग्जाम होते हैं ओलंपियाड के। लेवल वन में ऑल स्टूडेंट क्लास 1 से 12 तक एग्जाम ये बोर्ड द्वारा करवाए जाते हैं, उनको एक लेवल क्लियर करना होता है। एंड नेक्स्ट लेवल टू में द टॉप 1000 ओलंपियाड रैंकर होल्डर बिटवीन 4 and 103 विथ मिनिमम मार्क्स ऑफ 50% एंड स्कोर, क्लास फर्स्ट रैंक होल्डर विथ मिनिमम 75% मार्क्स एंड 100 पार्टिसिपेट इन देयर रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट फ्रॉम द स्कूल। अर्थात लेवल टू में वही बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं जो कि लेवल वन को क्वालिफाई कर लेते हैं, जो 100 टॉप ओलंपियाड में 1000 ओलंपियाड रैंकर होल्डर में रहते हैं। तो चलिए अब हम सैम्पल पेपर देखते हैं इसके कि किस प्रकार के सैम्पल पेपर आते हैं। ये है हमारा इंग्लिश ओलंपियाड 23 के लिए ओलंपियाड पेपर है सिल्वर जोन का। जैसा कि आपको यहाँ पे लिखा भी गया है कि एक्चुअल क्वेश्चन पेपर कंटेन 25 क्वेश्चन एंड ड्यूरेशन टेस्ट पेपर ऑफ 40 मिनट्स। यह एक सैम्पल पेपर है जिसमें हम 10 क्वेश्चंस को देखेंगे। पहला हमारा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से क्वेश्चंस है। राजीव गांधी वाज द यंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। राजीव गांधी एक युवा प्रधानमंत्री, भारत के युवा प्रधानमंत्री थे। ही वॉज द ट्रू लीडर हु सेक्रीफाइज हिज लाइफ फॉर द सेक ऑफ नेशन। वो एक सच्चे नेता थे जिन्होंने अपने जीवन को देश के लिए सेक्रीफाइस किया। राष्ट्र की खातिर अपना जीवन बलिदान कर दिया। वो एक सच्चे नेता थे जिन्होंने राष्ट्र की खातिर अपना जीवन बलिदान कर दिया। नेक्स्ट हो जाता है ही बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आफ्टर द डेथ ऑफ हिज मदर इंदिरा गांधी। वो प्रधानमंत्री अपनी माता इंदिरा गांधी जो कि प्रधानमंत्री थी उनकी मृत्यु के बाद बने थे। ही डेड वाइल सी वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उनके मरने के बाद वो भारत के प्रधानमंत्री हुए थे। ही वाज ए विशनरी वह एक दूरदर्शी थे। ही प्रमोट साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया। उन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दिया था भारत में। उन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दिया था और वह एक दूरदर्शी थे। तो चलिए अब इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। नंबर वन, हु बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आफ्टर डेथ ऑफ इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के मरने के बाद कौन देश के प्रधानमंत्री बने। तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, राजीव गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, हु प्रमोट साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी को इंडिया में किसने प्रमोट किया था। तो ऑप्शन सी, राजीव गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, डायरेक्शन द क्वेश्चन थ्री, फाइंड द अपोजिट मीनिंग ऑफ वर्ड रिटन इन कैपिटल लेटर बिलो। एल ओ पी ई द लव का अपोजिट कौन है। ए हेट, बी प्लेस, सी हेल्प एंड डी ऑल ऑफ दिस। करेक्ट आंसर है ए हेट। लव मीन्स क्या, हेट मीन्स नफरत।
Next question number 4. Identify the मॉन्यूमेंट गिवन इन द पिक्चर्स बिलो. ये जो नीचे पिक्चर्स दिए गए हैं इसको हमें आइडेंटिफाई करना है. तो ये कौन सा पिक्चर है ये हमें देखना है. पहला ऑप्शन है कुतुब मीनार, बी रेड फोर्ट, सी इंडिया गेट एंड डी ऑल ऑफ दिस. करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इंडिया गेट. यह इमेज जो है इंडिया गेट का दिया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. डायरेक्शन इन क्वेश्चन नंबर 5. अरेंज द जंबल वर्ड ऑफ मेक मीनिंगफुल सेंटेंस. जंबल वर्ड दिए गए हैं इसके हिसाब से मीनिंगफुल सेंटेंस हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 5 में. देखिए ये हमारा जंबल वर्ड है आवर लव दी कंट्री. एक सेंटेंस है जिसको आगे पीछे करके लिखा गया है. इसको हमें अरेंज करके मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है. ए लव आवर कंट्री, बी पी कंट्री वी लव आवर, सी वी लव कंट्री आवर्स एंड डी वी लव आवर कंट्री. करेक्ट आंसर यहाँ हो जाता है ऑप्शन डी वी लव आवर कंट्री. हम लोग वी लव हम प्यार करते हैं हमारे देश से. हम लोग हमारे देश से प्यार करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डिस्क्राइब द पिक्चर करेक्टली. ये एक इमेज दिया गया है इसके हिसाब से इस सेंटेंस को कौन अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा है. ए दिस पिक्चर ऑफ द फेयर पीपल फाइट देयर. यहाँ एक फेयर का पिक्चर दिया गया है मेला का जिसमें लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं. यह गलत है. बी दिस पिक्चर ऑफ फेयर पीपल एंजॉय हेयर. यहाँ पर हम देख रहे हैं एक मेला का इमेज है और पीपल एंजॉय हेयर यहाँ पर लोग एंजॉय कर रहे हैं. तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. डायरेक्शन द क्वेश्चन 7 वी कम्स फ्रॉम पट. 7 आइडेंटिफाई द नाउन ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस. 7 में हमें नाउन आइडेंटिफाई करना है. क्वेश्चन है ही कम्स फ्रॉम पटना. वह कब वह पटना से आता है. ए ही बी कम्स, सी पटना, डी ऑल ऑफ दिस. यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी पटना. पटना एक नाउन है. जैसा कि आपको पता है बच्चों नाउन किसे कहते हैं. नाउन किसी प्लेस थिंग्स ऑब्जेक्ट्स की नाम कहते हैं. अर्थात किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को हम नाम कहते हैं. यानी पर्सन प्लेस थिंग्स. तो पटना हमारा क्या हो गया प्लेस हो गया. तो ये नाम हो गया. ही हमारा प्रोनाउन है एंड बी हमारा वर्ब है. कम्स मीन्स वर्ब. नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ. विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड बिन मिसप्लेस. इसमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग गलत है. प्रिंसिपल, बी टीचर, सी स्टूडेंट, डी ऑल ऑफ दिस. करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए प्रिंसिपल. प्रिंसिपल की जो स्पेलिंग है वो मिसप्लेस है. उसकी स्पेलिंग होती है यहाँ पे स्पेलिंग हो जाती है पी आर आई एन सी आई पी ए एन. दिस इज द करेक्ट आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम बढ़ते हैं. व्हाट विल यू से व्हेन द रिक्वेस्ट समवन फॉर हेल्प. हम क्या कहेंगे अगर हम किसी से मदद चाहते हैं. किसी से भी हम अगर मदद चाहते हैं तो हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं. ए थैंक यू, बी सॉरी, सी एक्सक्यूज मी या डी प्लीज. करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी प्लीज. अगर हम किसी से मदद चाहते हैं तो उसे हम प्लीज कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. द डेफिनेशन ऑफ वर्ड इज गिवन. यू हैव टू आइडेंटिफाई द वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन डेफिनेशन. यहाँ पे इस वर्ड को हम क्या कहेंगे ये डेफिनेशन सेंटेंस पढ़कर हमें देखना है. डेफिनेशन. अ स्टूडेंट स्टडिंग इन सेम द क्लास विथ यू. विद्यार्थी जो सेम क्लास में साथ में पढ़ते हैं उसे हम एक वर्ड में क्या कह सकते हैं. ए क्लासमेट, बी फ्रेंड, सी स्टूडेंट या डी ऑल ऑफ दिस. करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए क्लासमेट. जो भी बच्चे एक साथ क्लास में एक क्लास में पढ़ते हैं उसे हम क्लासमेट कहते हैं. तो ये थे आपके इंग्लिश ओलंपियाड सिल्वर जोन के सैंपल पेपर. आई होप आपको यह अच्छा लगा हो. नेक्स्ट हम साइबर ओलंपियाड के पेपर डाल रहे हैं उसे भी आप अपना देखना ना भूलें. आज के लिए इतना ही. थैंक यू. प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए. और आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को पूरा पूरा अवश्य देखें. थैंक यू.